मैं हूं शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है फतेहपुर से आगरा। इटावा पीछे निकल चुका है, इटावा के आगे चल रहा हूं और अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे अभी आना बाकी है, बस कुछ देर में आने वाला है। धारवर बाईं तरफ है, यानी अगर धारवर जाना हो तो बाईं तरफ हल्का सा टर्न मारना पड़ेगा जीटी रोड छोड़ के। अभी भी जीटी रोड पे चल रहा हूँ, आगरा और दिल्ली सीधा है। इटावा पीछे छूट चुका है। जसमंत नगर भी पीछे छूट गया है, फिरोजाबाद आएगा। अभी दे रहा हूं, एग्जिट मार्क्स बोर्ड में तो कुछ भी लिखा रहता है, बोर्ड का भरोसा नहीं है। ये भी गचा है। गिन गई 73 किलोमीटर। ये लो, विंटर में ही टोल प्लाजा मिल गया। कितना है बोर्ड भी नहीं लिखा, वो टाइप का होगा जितना चले उतना करो। अच्छा, अलप रम टोल प्लाजा नाम है इसका। 175 रुपए काटे हैं इसने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे में दाखिल होते ही, यानी इंटर पॉइंट पे ही टोल प्लाजा मिल गया और 175 रुपए ले लिए इसने। पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि दिल्ली और आगरा सीधा है, यानी जीटी रोड पकड़कर चलते जाएं, जबकि गूगल मैप बता रहा था कि जीटी रोड छोड़कर स्लिप टर्न मारना है लेफ्ट साइड से।
मैंने गूगल की बात मानी और स्लिप टर्न मार के लेफ्ट साइड से बाहर निकल आया तो मुझे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे मिल गया। यानी रोड मिनिस्ट्री की गलती यहाँ भी है, गलत बोर्ड लगाए हुए हैं। आगरा का रास्ता इधर जाता है और वो मुझे सीधा भेजना चाहते थे। कितनी गलतियाँ निकालूँगा, कितनी गलतियाँ बताऊँगा रोड मिनिस्ट्री की। पीछे लेफ्ट साइड में बोर्ड गुजर चुका है बटेश्वर, 53 किलोमीटर है, और उसी के साइड में 33 किलोमीटर भी लिखा है, पता नहीं क्या है वो। और आगरा 88 किलोमीटर है यहाँ से, यानी इसी रोड पे सीधा 88 किलोमीटर चलता जाऊँगा। अच्छा हाईवे है लेकिन यहाँ पे नींद आती है, गाड़ी चलाने में नींद आती है। यहाँ पे कार वालों के लिए स्पीड लिमिट 100 है और हैवी गाड़ी वालों के लिए 80 की लिमिट दिया हुआ है। एक खूबी मैंने इस हाईवे में देखी है, तारीफ के लायक है, और वो ये है कि फर्स्ट लाइन टेक ओवर के लिए लिखा हुआ है, सेकंड लाइन कार के लिए है, और थर्ड लाइन, तीसरी लाइन ट्रक वालों के लिए है, लेकिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। मैं बीच वाली रोड पकड़ के चल रहा हूँ और जब टेक ओवर करना होगा तो राइट से टेक ओवर करूँगा। वैसे गाड़ी अपना चला रहा है अभी और 2 घंटे से ऊपर हो गया है अतनान को गाड़ी चलाते हुए, और आगे मैं गाड़ी लेने वाला हूँ अपने हाथ में। वैसे ज़्यादातर ट्रक वाले तो मानते नहीं हैं और किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, फर्स्ट लाइन पे ही चलते हैं, लेकिन कुछ ट्रक वालों को मैंने देखा इस रोड पे, वो तीसरी लाइन में यानी अपनी लाइन में चल रहे हैं, तीसरी लाइन में ही चलते हुए देखा है मैंने उनको, कई ट्रक वालों को मैंने देखा है। आगे मिलेंगे आपको देखना। यहाँ पे देखना, पहला जो ट्रक वाला है वो कार वाली लाइन में चल रहा है यानी सेकंड लाइन में, और उसके आगे वाला ट्रक वाला अपनी लाइन में चल रहा है, तीसरी लाइन में चला जा रहा है आराम से रूल को फॉलो करते हुए, उसके पीछे वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये ट्रक वाला भी रूल फॉलो कर रहा है और अपनी लाइन में चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे, जैसे बुंदेलखंड हाईवे था, बुंदेलखंड हाईवे पिछले सफ़र में दिखाया है, उससे कहीं अच्छा है ये, ज़बरदस्त। ये ट्रक वाले को देख लो, पहली लाइन में चला जा रहा है, हद हो गई, टेक ओवर वाली लाइन में है, जबकि बोर्ड लगे हुए हैं कि ये लाइन टेक ओवर के लिए खाली रखो। उससे पीछे एक ट्रक गुजरा है, वो कार वाली लाइन में घुसा हुआ है, और सामने जो एक ट्रक नज़र आ रहा है वो अपनी लाइन में रोल फॉलो करते हुए चला जा रहा है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, आगरा 69 किलोमीटर बचा है और दिल्ली 265 किलोमीटर। सादा इस बोर्ड में देखना, राइट वाली जो लाइन है वो टेक ओवर के लिए है। लाइट गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलेंगी और हैवी व्हीकल 80 की स्पीड में। और ये फर्क करना बहुत ज़रूरी है, वरना टेक ओवर करना मुश्किल हो जाएगा। सब 100 की स्पीड में चलेंगे तो टेक ओवर कैसे करेंगे? फर्स्ट लाइन तो टेक ओवर के लिए है, लेकिन कौन चलता है फर्स्ट लाइन को खाली छोड़कर? कौन चलता है? आगे फातियाबाद के लिए एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है, एग्जिट पॉइंट फातियाबाद के लिए दिया हुआ है 500 मीटर पे। और फिरोजाबाद दाई तरफ है, आगे भटेश्वर के लिए भी एग्जिट पॉइंट वही होगा जो फातियाबाद के लिए है। फातियाबाद 29 किलोमीटर है और फिरोजाबाद 40 किलोमीटर। पहले शिकोहाबाद है, उसके आगे फिरोजाबाद। दो घंटे से ऊपर हो गया है दनान को गाड़ी चलाते हुए। अब साइड में लगाने को बोला हूँ और सीट चेंज करूँगा, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूँगा और यहाँ से मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। फातियाबाद आ चुका है, यहाँ पे रोड का काम चालू है हमारी लाइन में, तो यहाँ से रोड डाइवर्ट किया है। राइट में जो आने वाली लाइन है उसमें डाल दिया है। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों को जिनकी रोड है उनको सिंगल लाइन दिया है और हमें डबल लाइन दिया है, उल्टी लाइन जाने वालों के लिए डबल लाइन, क्या बात है। देखने को तो सिंगल लाइन है आने वालों के लिए, लेकिन एक पार्किंग लाइन भी है, वो भी पूरी एक लाइन है, उसमें भी गाड़ी चला सकते हैं और
लोग चला रहे हैं। यही वजह है कि दो लाइन इधर दे दिया। कमाल की बात तो यह है कि रोड डाइवर्ट करने के बावजूद स्पीड स्लो नहीं हुई, 100+ चल रही है गाड़ी। यहाँ से रोड डाइवर्ट ख़त्म होता है और अपनी लाइन मिल जाती है, लेकिन स्पीड कम नहीं हुई है ना, कमाल की बात। आगे कैमरा लगा हुआ है 500-700 मीटर की दूरी पे, मुझे संकेत मिल रहा है कैमरे का, इसलिए स्पीड स्लो किया हूँ। ये रहे कैमरा, सामने कैमरा लगे हुए हैं। वैसे गाड़ी तो अभी मैंने अपने हाथ में लिया है, लेकिन चूंकि गाड़ी को रेस्ट नहीं मिला, डैश कैम को तो यही लग रहा है कि एक ही आदमी कंटिन्यू गाड़ी चला रहा है 2 घंटे 30 मिनट से। बोर्ड लगा हुआ है फातियाबाद और फिरोजाबाद 2 किलोमीटर है और एग्जिट पॉइंट 27 किलोमीटर बाद है। सत्ताईस किलोमीटर बाद एग्जिट पॉइंट बोर्ड में तो लिखा हुआ है, लेकिन एग्जिट पॉइंट तो यहीं पे है, लेफ्ट साइड में एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है। ये रहा, दिल्ली 235 किलोमीटर है और आगरा सिर्फ 41 किलोमीटर और बचा है। Thank you.
35-38 किलोमीटर आगे का बचा है और वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ।